अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोर्स कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक की सेकंड असाइनमेंट ऑटम 2020 शेयर करूंगी। उम्मीद है कि ये असाइनमेंट आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे असाइनमेंट 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड लॉजिक बिहाइंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 से 67 तक मिलेगा। बुक से मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ जी। यहाँ पे देखें, पेज नंबर 65 पे यहाँ से है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ से आपने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है इसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। देन डेफिनेशन की हेडिंग दे के आपने यहाँ से डेफिनेशन लिखनी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने पूछा था लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये है। उसमें 4 स्टेप्स आते हैं और आगे वो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं जो आपने मैंशन करने हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 66 पे। यहाँ पे देखें, ये 4 स्टेप्स प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है और बेसिकली यही लॉजिकल स्टेप्स भी हैं इसके, ठीक है, जो आपने राइट करने हैं 4 स्टेप्स से यहाँ तक। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास अनसर्टेनिटी एंड एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे, टाइप 1 एरर टाइप क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, इसकी मेन डेफिनेशन आपने लिख लेनी है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन टाइप ऑफ अनोवा एंड डिस्क्राइब पॉसिबल सिचुएशन विच ईच टाइप शुड बी यूज्ड। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 82 पे है, देन 86 और 89 पे है। तो बुक से मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि आपने कहाँ से राइट करना है जी। सबसे पहले यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस ऑफ वेरियंस जिसे अनोवा भी कहते हैं। यहाँ से आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले देना है और बेसिकली आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि अनोवा होता क्या है या एनालिसिस ऑफ वेरिएंट किसे कहते हैं। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखेंगे। देन आगे आ जाते हैं इसकी टाइप की तरफ। तो इसकी 2 टाइप हैं, एक है वन वे अनोवा और एक है 2 वे अनोवा। लेकिन यहाँ पे जो आपको मेंशन की गई हुई है पेज नंबर 86 पे, यहाँ पे देखें, वन वे अनोवा है यहाँ पे। वन वे अनोवा लॉजिक एंड प्रोसीजर ये सारा आपने राइट कर लेना है, ठीक है। देन अजम्पशन अंडरलाइंग द वन वे अनोवा ये आपने राइट करनी है इस पेज से सारी। ये देखें, यहाँ से आपने राइट करना है। देन आ जाएंगे आप पेज नंबर 67 पे, सॉरी 87 पे। देन यहाँ से आपने लॉजिक बिहाइंड वन वे अनोवा लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप डिपेंड करता है आप लिखते हैं इसके फार्मूलाज वगैरह या नहीं, लेकिन आपने उसके बारे में बता देना है। देन आगे आ जाता है मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर। बेसिकली ये आर अनोवा भी होता है और सेकंड टाइप ये है अनोवा की, जिसे कि आप टू वे अनोवा भी कहेंगे या एन अनोवा भी कहते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ये वाला मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर, यहाँ से आएंगे और ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आके क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो जाता है जी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, एक्सप्लेन्स स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एंड वीक रिलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 72 और 73 पे है। मैं बुक से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे सबसे पहले आपने कोरिलेशन डेफिनेशन लिखनी है। इंट्रोडक्शन जो इसका दिया हुआ है, ये आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसका राइट करना है। देन उसके बाद आप कोरिलेशन पे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है आपने, और बीच में एग्जांपल भी एक दी हुई है, वो भी आपने राइट कर लेनी है, ठीक है। देन करैक्टरिस्टिक दी हुई है, रिलेशनशिप दैट कोरिलेशन मेयर। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर इसका द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद आ गया स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एंड वीक रिलेशनशिप, तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक राइट कर लेना है यहाँ से। अगर थोड़ा सा और ब्रीफली अगर आपको राइट करना है, तो मैं लिंक में एक लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी इस क्वेश्चन का, जहाँ से आप स्ट्रॉन्ग वीक और मॉडरेट रिलेशनशिप के बारे में आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आके क्वेश्चन नंबर 3 आपका एंड हो जाता है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ, एक्सप्लेन काई स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट इन विच सिचुएशन शुड इट बी अप्लाइड। तो इसका आंसर आपके पास पेज नंबर 92 से है 95 तक। बुक से मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ जी। यहाँ पे देखें, ये पेज नंबर 92 पे, यहाँ से आपने काई स्क्वायर की डेफिनेशन जो है ना राइट करनी है, एंड यहाँ से यूजेस ऑफ काई स्क्वायर लिख देना है। यहाँ से आपने ये उसके यूजेस लिख लेना है, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आएगा व्हाट इज़ अ काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक, यहाँ से आपने ये राइट कर लेना है, ठीक है। और काई स्क्वायर
गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ये आपने राइट कर लेना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, में से अपनी वर्डिंग में। उसके बाद ये है, यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 95 पे। 95 पे लिखा हुआ है ये का इसका इंडिपेंडेंट टेस्ट होता क्या है और उसकी क्या क्या जो है ना केयर आपके करनी चाहिए, असम्पशंस उसकी क्या है, ये पूरी यहाँ से आप राइट कर सकते हैं इस पेज से। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कोरिलेशन इज प्री रिक्विजिट ऑफ रेगुलेशन एनालिसिस, एक्सप्लेन। इसका पेज नंबर 76 से लेकर 78 तक इसका आंसर है। यहाँ से मैं आपको बुक से बता देती हूँ, पेज नंबर 76 ही निकला हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ से आपने लिखना है रिग्रेशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, तो रिग्रेशन का यहाँ से आपने राइट करना है ये सारा, यहाँ से आपने देन आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस लिखना है, व्हाई डू यू रिग्रेशन एनालिसिस। टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस आपने लिखना है कि लीनियर होती है, एंड देन ये कौन कौन सी लॉजिस्टिक होती है, पॉलिनोमियल होती है, ये सारी आपने राइट कर लेनी है पेज नंबर 78 तक। यहाँ तक आपने इसको राइट करके आपका असाइनमेंट एंड हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इसका सलूशन भी अवेलेबल है। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको और किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो हम वो वीडियो भी आपके लिए बना देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।